मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष मार्क निकोलस ने खुलासा किया कि इंडियन प्रीमियर लीग की 5 टीमों ने द 100 टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली लॉर्ड स्थित टीम लंदन स्पिरिट में हिस्सा खरीदने की इच्छा जताई है और निकोलस ने यह खुलासा एमसीसी सीईओ गाय वेलेंडर के सदस्यों को हाल में लिखे पत्र के हवाले से किया। और इस पत्र में उन्होंने स्पिरिट टीम में 49% हिस्सेदारी बेचने की इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की पेशकश पर स्वीकृति मांगी है। अगर उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन सी आईपीएल टीमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में जो है हिस्सेदारी खरीदना चाहती हैं। अगर हम आईपीएल और द 100 को कंपेयर करेंगे तो आईपीएल में T20 मुकाबले होते हैं जबकि द 100 में जो है 100-100 गेंदों का मुकाबला होता है। इस समय आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं विराट कोहली, उन्हें सालाना 17 करोड़ रुपए मिलते हैं जबकि 100 में एक खिलाड़ी को अधिकतम सैलरी 1 लाख पाउंड जो कि भारतीय रुपए में बनते हैं 1 करोड़ रुपए और इस समय 10 विदेशी खिलाड़ियों को रियायत रकम दी जा रही है। आईपीएल में एक सीजन में 60 मैच होते हैं जबकि द 100 की एक लीग में टोटल 32 मैच होते हैं। दोनों टूर्नामेंट की जो पुरुष लीग है उसमें 8-8 टीमें होती हैं। द 100 की महिला लीग में 8 टीमें मौजूद होती हैं और आईपीएल में 3 महिला टीमों का एक मिनी टूर्नामेंट होता है। द 100 की रिपोर्ट के अनुसार ईसीबी चाहता है कि उसकी द 100 की 100 बॉल क्रिकेट लीग में भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा लें। इसके लिए वह आईपीएल टीमों को इसकी हिस्सेदारी देने को तैयार है।